हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो एकेडमी। आज हम लेक्चर में पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोग पार्टनरशिप का पूरा ओवरव्यू लेंगे और इसके साथ साथ हम पूरे पार्टनरशिप एक्ट को स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ पर जो भी लेक्चर्स मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ उसका अपडेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट जो है, ठीक है, वो 1932 यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1932। और ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये पार्टनरशिप से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, उन सारे प्रोविजंस को इस एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। राइट, सबसे पहले जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका ओवरव्यू लेते हैं और ये देखते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत मतलब ये कब इनेक्ट हुआ, ये सारी बातें जो बेसिक बातें होती हैं वो सारी बातें किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट, ये जो एक्ट है ये 1932 में बनाया गया और इसका जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो 1 अक्टूबर 1932 है। राइट, 1 अक्टूबर 1932। और ये एक्ट, इसके अंतर्गत पार्टनरशिप से संबंधित जो भी प्रोविजंस किए गए हैं वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हिस्सा थे। 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इसके अंतर्गत चैप्टर 11 था और चैप्टर 11 में सेक्शन 239 से 266 तक प्रोविजंस शामिल थे। अब इसके बाद 1932 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये चैप्टर हटा के एक नया एक्ट बना दिया गया। ठीक है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है इसका अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको एक्ट मतलब उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, और उनको अमेंड करने के लिए ये नया एक्ट बनाया गया। राइट, देखिए क्यों पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाने की जरूरत पड़ी अगर पहले से ही ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दिया गया था। मेन जो पर्पस था इस नए एक्ट को बनाने का वो ये था कि पार्टनरशिप और इससे संबंधित प्रोविजंस को अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सके, क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में डेफिनेशन दी गई थी वो बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं थी। जो 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें पार्टनरशिप के बारे में ये बोला गया था कि पार्टनरशिप ऐसे पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने लेबर को कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने स्किल को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये पुरानी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, ठीक है, लेकिन ये पार्टनरशिप की एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप में वो भी पार्टनर हो सकता है जो अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। हो सकता है कि वो अपने लेबर को भी कंट्रीब्यूट ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए और प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए, ठीक है, नया पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया जो कि 1 अक्टूबर 1932 को इन्फोर्स होता है। क्लियर, अब यहां पर ये बात क्लियर करना जरूरी है। अगर आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे, ठीक है, या आप सेक्शन 2E, सेक्शन 5, सेक्शन 74, इन सारे सेक्शंस को यदि आप पढ़ते हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पार्टनरशिप एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि पार्टनरशिप के संबंध में पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजंस तो किए गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप के अलावा किसी अदर एक्ट के प्रोविजंस पार्टनरशिप के संबंध में लागू नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, सेक्शन 3 आप देखोगे
पार्टनरशिप एक्ट का, तो उसमें ये बात बिल्कुल क्लियरली बोली गई है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो प्रोविजंस जो कि पार्टनरशिप एक्ट के साथ असंगत नहीं है, यानी कि इनकंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के संबंध में लागू होंगे। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट, ठीक है, सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो अप्लाई ऑन पार्टनरशिप, राइट। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा एक्ट है, ठीक है, इसको 8 चैप्टर्स में कैटेगराइज किया गया है और टोटल जो सेक्शंस हैं वो 74 हैं। ये 8 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रिलिमिनरी, ठीक है, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें टाइटल बताया गया है, एक्सटेंशन बताया गया है, ठीक है, और सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं, राइट, और सेक्शन 3 बताता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी अप्लाई होंगे। बहुत सिंपल है, आप बेयर एक्ट में उसको पढ़ लेंगे, उसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में प्रोविजन करता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है, ठीक है, वो आपका सेक्शन 4 के अंतर्गत दी गई है। इसके बाद कैसे पार्टनरशिप क्रिएट होगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट होगी, ठीक है, किसी स्टेटस के द्वारा क्रिएट नहीं होगी, ये सारी बातें नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद चैप्टर 3 जो है वो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ क्या रिलेशन होगा, एक पार्टनर का फर्म के साथ क्या रिलेशन होगा, ये सेक्शन 9 से सेक्शन 17 के बीच में बताया गया है। अब इसके बाद चैप्टर 4 जो है वो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनका थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन होगा, ये बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 18 से सेक्शन 30 यहाँ तक आपको प्रोविजन मिलेगा। इसके बाद इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, कोई पार्टनर आके जुड़ता है या कोई पार्टनर बाहर चला जाता है, उनके बारे में प्रोविजंस 31 से 38 तक मिलेंगे। किसी पार्टनरशिप फर्म को कैसे डिसॉल्व किया जाएगा, ये 39 टू 55 बताया गया है, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ये बताया गया है 56 टू 71, सप्लीमेंटल ये 72 टू 74। तो इस तरीके से टोटल 8 चैप्टर्स में ये पूरा एक्ट डिवाइड है। अब सबसे पहले इसमें समझने वाली बात यह है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग ये देखेंगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे एलिमेंट्स को हम डिटेल में समझा रहे हैं। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक बात बोली जा रही है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पार्टनरशिप जो है वो व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो कि एग्री हुए हैं, ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो लोग एग्री हुए हैं, जो पर्संस एग्री हुए हैं, उनके बीच के रिलेशन को पार्टनरशिप बोला जाता है, उनके बीच के रिलेशन को भागीदारी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप एक बात देखोगे कि इसमें बोला जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी कि पर्संस के बीच का रिलेशन, पर्संस, अब आप देखेंगे कि पर्सन जो होता है वो लीगल पर्सन भी होता है, नेचुरल पर्सन भी होता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पार्टनरशिप जो है वो कंपनीज के बीच में हो सकती है, क्योंकि कंपनीज भी तो एक लीगल पर्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि पार्टनरशिप कंपनीज के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो भी पर्सन होती हैं, एक लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पार्टनरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी नहीं होती है, इसलिए दो पार्टनरशिप फर्म के बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। दो पार्टनरशिप फर्म के बीच में अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप होगी तो फर्म्स के पार्टनर्स के बीच में होगी, न कि दो पार्टनरशिप फर्म के बीच में, यानी कि किसी एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स और किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स
आपस में मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन फर्म चूंकि एक लीगल पर्सन नहीं है इसलिए फर्म पार्टनरशिप नहीं कर सकती है, ठीक है। और पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं इंडिविजुअली, यानी कि अलग अलग तो उनको पार्टनर बोला जाता है लेकिन कलेक्टिवली उनको फर्म बोला जाता है, ठीक है। पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। यानी कि जिस नाम से वो लोग अपना बिजनेस कैरी कर रहे हैं उसको फर्म का नाम जो होता है उसको फर्म नेम बोला जाता है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में इसके एसेंशियल भी हैं। क्या एसेंशियल हैं? पांच एसेंशियल्स देखते हैं। देयर मस्ट बी टू और मोर पर्संस, दो और अधिक व्यक्ति होना चाहिए। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप है वो एक करार, एक एग्रीमेंट का परिणाम है। इट इज़ ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन अ बिजनेस, ये किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए किया जाता है। पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टनरशिप फर्म में पर्संस जो हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए क्या होते हैं, एग्री होते हैं। तो जो एग्रीमेंट होता है प्रॉफिट को शेयर करने का होता है। यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बोला गया है ना कि लॉस ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको शेयर करने के लिए एग्री होना, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। लॉस को शेयर करने के लिए वो एग्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लॉस की बात यहाँ नहीं बोली गई है, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट की बात बोली जा रही है। और इसके बाद बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या किसी एक के द्वारा किया जा रहा है सबके बिहाफ पर या फिर सबके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में एक म्यूचुअल एजेंसी भी होती है ना। एक पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव होता है, एजेंट होता है पूरी फर्म का। तो ये पांच एलिमेंट्स जो हैं किसी पार्टनरशिप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इन सारे पांच एलिमेंट्स को हम आगे के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जो है इसको देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कोई क्वेरी है कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।